जी, अब हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वो बगैर पासवर्ड के ओपन तो हो, लेकिन जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है उस डॉक्यूमेंट को, वो इसके अंदर किसी किस्म की चेंज ना कर सके। इसका ये ऑप्शन है कि आप जो है रिव्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिव्यू को क्लिक करके रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे आएगा अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नो चेंज रीड ओनली, इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे येस स्टार्ट एनफोर्सिंग डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर पासवर्ड मांगेगा वो, 123 123, और ओके कर देंगे आप और सेव कर देंगे आप। अब हम ओपन करते हैं। अब कोई भी शख्स जो है इसको रीड तो कर सकता है डॉक्यूमेंट को, लेकिन इसके अंदर किस किस्म की चेंज नहीं कर सकता। अब एक ऑप्शन और होती है प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट में। अब हम लोग पहले तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म करते हैं, पासवर्ड इसका ख़त्म करते हैं, स्टॉप प्रोटेक्शन में जाएंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन में जाकर दोबारा वही पासवर्ड देंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ जो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें चेंज की जा सके, और जो आखिरी जो पैराग्राफ है इसमें चेंज ना की जा सके। तो इसका ये तरीका है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक्सेप्शनल लिखा हुआ, एक्सेप्शन में जाके आपने एवरीवन कर देना, यहाँ पे एक्सेप्शन केस में जाके। ठीक है, अब आप जो पासवर्ड लगा दें दोबारा, 123 और 123, ओके कर दिया और अब सेव कर दें। अब आप देखेंगे कि सिर्फ वो स्पेसिफिक पैराग्राफ में चेंज नहीं किया जा सकते जो हमने पासवर्ड। अब जैसे ऊपर वाले पोर्शन में हमने कहा था कि चेंज की जा सकती है, ये देखें ये चेंज की जा सकती है, बोल्ड करना है इसको बोल्ड कर देंगे, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको हमने कहा था चेंज ना किया, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये भी एक प्रोटेक्शन की किस्म है।